नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? सर्दियों की सुबह थोड़ी आलस भरी होती है और इस सुबह में एक बार फिर मैं आपके साथ में लाइव हाजिर हूं। आप सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस लाइव शो में। आज अब हम चलते हैं दूसरी बात पर, यानी कि 30 लाख करोड़ के महाघोटाले के पार्ट 2 पर। पिछली बार मैंने आपको समझाया था किस प्रकार से एक दुकान, देश को हम दुकान मान लेते हैं, फिर से जल्दी से वो कर देता हूँ कि देश को हम एक दुकान मान लेते हैं और देश का बिजनेस जैसे चलता है वैसे मान लेते हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो लगातार कैपिटल गुड्स इंपोर्ट दिखाया गया और उसके पेमेंट्स हुए, उसके बावजूद देश ने तरक्की नहीं करी। ये बताया गया कि दुकान में और सामान ले आओ, ये मशीन ले आओ तो इससे काम हो जाएगा, और सामान भरते चले गए दुकान में और दुकान का गल्ला खाली करते चले गए, यानी दुकान का पैसा खाली करते चले गए, ये भी लाना वो भी लाना, और वो पैसा विदेश चलता चला जाता चला गया। 500 बिलियन डॉलर्स प्लस 578 बिलियन डॉलर्स के आसपास की फिगर मैंने पिछली बार बताई थी, और इतना पैसा बाहर चला जाने के बावजूद इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिरी, भारत की ग्रोथ गिरी, सब कुछ गिरा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो जब इंडस्ट्रीज आई, जब कैपिटल गुड्स आया तो इंडस्ट्रीज लगी होंगी, फैक्ट्रीज लगी होंगी, तो वो कहाँ गया पैसा? मेरा कहना यहाँ कुछ और है, इस बार ये कहना कुछ और है। यहाँ पर मेरा कहना है पैसा तो गया बाहर, सामान कुछ भी नहीं आया, सामान आया ही नहीं। ये जो पैसा गया, सिर्फ पैसा चला गया, सामान आया ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई बिजनेसमैन इतना मूर्ख है क्या कि पैसा दे देगा और सामान नहीं लेगा? ऐसा नुकसान क्यों करेगा कोई भी? तो इसका भी एक जो हमने रिसर्च करी, उस रिसर्च में हमने पाया कि जिस वक्त ये सारा जो प्रपंच चल रहा था कैपिटल गुड्स इंपोर्ट का, उस वक्त देश के अंदर जो हवाला कारोबार था वो 4 गुना तक बढ़ गया था। 4 गुना तक देश के अंदर का हवाला कारोबार बढ़ गया था। लेकिन इसके विपरीत विदेश का, जब देश का हवाला कारोबार बढ़ता है तो विदेश का हवाला कारोबार भी बढ़ता है, यानी इस देश से बाहर पाकिस्तान पैसा भेजना है, यूएई भेजना है या वहां से आना है, वो भी साथ में बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं होता अलग अलग बढ़ता, दोनों साथ में बढ़ते हैं हवाला व्यापार। लेकिन विदेशी हवाला व्यापार वहीं का वहीं रहा, 1/4 पर टिका रहा, वो नहीं बढ़ा, वो गिर गया। तो विदेशी हवाला व्यापार कैसे गिर गया? क्योंकि एक दूसरा रूट, अल्टरनेटिव रूट, ईमानदारी का एक नंबर का रूट तैयार हो गया कि हम यहां से पैसा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट दिखाकर, खाली कंटेनर मंगवा कर ये दिखा देंगे कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हुआ, इस पे सब्सिडी भी ले लेंगे, हर साल 5-5 लाख करोड़ की सब्सिडी भी ले ली, 5 लाख करोड़ की, माल भी नहीं आया, और यहां के जो हवाला व्यापारियों का पैसा था वो हवाला व्यापारियों का पैसा बाहर पहुंचा दिया। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि अंडर इन्वॉइसिंग करवाते हैं कि मेरा माल 100 रुपए का है, मैंने चाइना से खरीदा, मैंने 50 रुपए का दिखाया और 50 रुपए तो मैंने एक नंबर से टीटी यानी वायर ट्रांसफर कर दिया बैंक टू बैंक, और बाकी 50 रुपए हवाला से भिजवा दिए। एक ये हो गए। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो इलीगल कारोबार करते हैं। वो इलीगल कारोबार वाले कौन से? वो इलीगल कारोबार वाले ड्रग्स वाले, वो इलीगल कारोबार वाले हीरोइन, कोकीन इंपोर्ट करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान से आती है, नेपाल से आती है। वो इलीगल कारोबार वाले आर्म्स वाले लोग हैं जो चाइना से आते हैं, आर्म्स नेपाल के रास्ते से आते हैं। ये वो पैसा है जिसको कि उन्होंने सामान खरीद लिया, लेकिन अब पैसा देना दें कैसे? वो नहीं दे सकते। उस पैसे को देने के लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो ये अपनाया कि कैपिटल गुड्स इंपोर्ट दिखाया गया, और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट दिखाकर ये जो पैसा था 2 नंबर का जो हवाला के थ्रू जाना था, ये 1 नंबर में करके इन्होंने इस तरह से भेजा, और कई सारे हवाला कारोबारियों का पैसा इसमें गया। यहाँ ये बताना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें कई बड़े नेता, जिसमें कि मंत्री भी थे उस समय के, तात्कालीन मंत्री भी थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास में अभी पूरे पुख्ता सबूत नहीं है, कई तात्कालीन मंत्री भी थे जिनका इन कैपिटल गुड्स इंपोर्ट वाली कंपनियों में या तो सीधे सीधे हिस्सेदारी थी या फिर इसके अंदर इनकी सांठगांठ थी, जिसे कहते हैं कट था। तो ये बहुत सारे लोग थे इस प्रकार के मंत्री नेता जिनका कि पैसा विदेश जा रहा था, जो कि अपना पैसा विदेश भिजवा रहे थे इनके थ्रू, जो कि सब्सिडी में हिस्सेदार थे, और ये बिजनेस एक नया चल पड़ा था क्योंकि जो हवाला का जो पैसा जाता है उसमें 2-3% का खर्चा आता है। ये 2-3% का बिजनेस एक नया चल गया था जो बड़ा कंटिन्यूस था। 30 लाख करोड़ रुपए इधर से उधर हुए, इसमें से यदि 20 लाख करोड़ भी हवाला के वाले गए हैं तो ये 20 लाख करोड़ का जो हमारे को नुकसान हुआ, 20 लाख करोड़ का हमने क्या ड्रग्स लिए उनका पैसा गया या टेररिस्ट लोगों का पैसा गया, या ये पैसा घूमकर पाकिस्तान गया चाइना से, और चाइना से पाकिस्तान से फिर कश्मीरियों को फंडिंग हुई,
क्या ये हमारे पैसे से ही हमारे ही जवानों का खून बहाया गया है क्या? ये जो पैसा था, जो पैसा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट के नाम पर सब्सिडी ली गई 30 लाख करोड़ तक की, ये जो पैसा था, ये पैसा जो बाहर भेजा गया, ये पैसा कैसे आया, वापस देश में कैसे आया, वो भी बताता हूं। जो यहां के हवाला कारोबारियों थे जिनको हवाला से पैसा बाहर भेजना था, उन्होंने पैसा नहीं भेजा, उन्होंने इन नेताओं को, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन कॉरपोरेट्स को दे दिया। उसमें से बहुत बड़ी एक रकम जो है वो यहीं रही, यहां पर इन्वेस्टमेंट हुई देश के अंदर, और इसमें से करीब समझ लीजिए 10% के आसपास की रकम देश के अंदर रही। बाकी जो 90% रकम है वो रकम हवाला के थ्रू, सॉरी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट का दर्शा कर, बिल दिखाकर, खाली कंटेनर मंगवा कर, ब्लैंक कंटेनर्स मंगवाएगा और बिल दिखा दिया गया सरकार को, साहब ये हमने खरीदा है, इस पर सब्सिडी भी ले ली, पैसा भी 2 नंबर का ब्लैक मनी जो नेताओं का था वो भी बाहर भेज दिया। ऐसे समझिए मेरे पास में ये ब्लैक मनी का 200 रुपये या 20 रुपये हैं ब्लैक मनी के। मैंने उस ब्लैक मनी को बाहर भेज दिया, मैंने कह दिया मुझे ये चॉकलेट खरीदनी है, मैंने चॉकलेट खरीदने दिखाया, लेकिन मैं चॉकलेट खरीदी ही नहीं, खाली डब्बा लेकर मैं आ गया और मैंने बता दिया साहब इसके अंदर चॉकलेट्स हैं, और मैं वो चॉकलेट लेकर आ गया, वो डब्बा खाली है, और मैंने वो पैसा बाहर दे दिया 2 नंबर का ब्लैक मनी का, जो मैं दे नहीं सकता था, जो मैंने 1 नंबर में दिखा दिया मुझे सामान खरीदना है, वो पैसा मैंने बाहर पहुंचा दिया, और उस पैसे को बाहर पहुंचाने के बाद में ये खाली कंटेनर आ गया। इस कंटेनर पर मैंने सब्सिडी भी ले ली इस माल पर, कि साहब मुझे तो, मैं चॉकलेट लाया हूँ, ये तो आप सब्सिडी देते हो, आपकी पॉलिसी, इस पर सब्सिडी भी दे दो। तो यानी इस पर मैंने टैक्स सब्सिडी भी खा ली, और मुझे बैलेंस शीट में अपने टैक्स भी नहीं भरना पड़ा, और पूरा पैसा मेरा बाहर भी चला गया। ये तरीका था यहां से चाइना पैसा पहुंचाने का। अब चाइना से क्या हुआ, चाइना में एक बहुत अच्छी कंपनी चलती है जिसका नाम है वेस्टर्न यूनियन, आप सबने नाम सुना है, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, सबको बता देता हूं, गूगल पे सर्च कीजिएगा वेस्टर्न यूनियन, WU, पीले कलर का वेस्टर्न यूनियन होता है, इससे पैसा कहीं भी आप आदान प्रदान कर सकते हो। वेस्टर्न यूनियन की एक बड़ी अच्छी खासियत है, वो आपसे कोई आपकी पहचान नहीं पूछता, वो आपको सिर्फ एक नंबर देता है, 1 2 3 6 8 7, ये आपको नंबर दे दिया गया, इस नंबर पर आपने 1 लाख रुपए दे दिए, ये एक पासवर्ड है 1 2 3 6 8 7, आपने इस पासवर्ड से अमेरिका पैसे पहुंचा दिया, अमेरिका में जो भी बंदा वेस्टर्न यूनियन के पास जाएगा 1 2 3 6 8 7 बोलेगा, उसे वो पैसा कैश में दे देंगे। कैसे? कैश में दे देंगे, मैंने खुद ने कैश में रिसीव किया हुआ वेस्टर्न यूनियन का पैसा, तो वो पैसा कैश में जाता है। ये पैसे की कोई ट्रेल नहीं होती, यानी इसको आप कहीं से भी ट्रैक नहीं कर सकते। ये पैसा जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट के नाम पर यहां से विदेश चाइना भेजा गया था, वो भेजा सिर्फ इसलिए गया था कि इसको किसी ना किसी प्रकार से वेस्टर्न यूनियन से बाहर भेज दिया जाए। अब वेस्टर्न यूनियन से बाहर भेजने का जो प्रोसेस था वो ये था कि चाइना पहुंच गया, चाइना से इन्होंने इस वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसा पहुंचाया कहां पर, आपका जो साउथ अफ्रीका है वहां। इस पीरियड में, जिस पीरियड में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस पीरियड में भारत को सब्सिडी का नुकसान हुआ, जिस पीरियड में लगातार भारत का जो नुकसान हो रहा था, उस पीरियड का, उसी पीरियड में भारत के तमाम मंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने भारत के उस समय साउथ अफ्रीका में बहुत जमीन खरीदी। गूगल कर लीजिए, विकीलीक्स देख लीजिए, जो देखना देख लीजिए। ये वही पीरियड है जिस पीरियड पर लगातार हिंदुस्तानी नेता और ये सारे लोग वहां पर अपनी जमीनें खरीद रहे थे, और इन्होंने साउथ अफ्रीका में ज़मीनें खरीदी, इन्होंने अपना जो पैसा था जिसका डर लग गया था इन्हें कि भाई ये स्विस बैंक का पैसा भी जो है कभी भी जब्त हो सकता है, सरकार इससे पूछ सकती है, स्विस बैंक ने अपनी पॉलिसीज लिबरल कर दी थी, बल्कि कहें कि जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में थी, इसलिए इन्होंने वो पैसा भी निकाला, और उसे भी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ऐसी कई और जगह हैं जहां इन्होंने सेफ हेवंस जो थे वहां ज़मीनें खरीदी, वहां फैक्ट्रीज खरीदी, वहां इंडस्ट्रीज लगाई, कई 1 नंबर में किया, कई 2 नंबर में भी लिया। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। हम बात कर रहे थे, हाँ, तो किस प्रकार से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट दिखाया गया, जो कि कभी हुआ ही नहीं। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट दिखाने के बाद में वो पैसा बाहर भेज दिया गया, ये कहा गया हमने सामान खरीदा, लेकिन सामान कभी खरीदा ही नहीं गया, खाली कंटेनर्स अंदर आए, बिल ऑफ लैंडिंग बनी, और बिल ऑफ लैंडिंग बनने के बाद में सरकार से सब्सिडी ली गई जो कि हर साल 5 लाख करोड़ तक की थी, और इसके बाद में लगातार ये सब्सिडी ली गई, 10 साल ये सब्सिडी ली गई, और 10 साल सब्सिडी लेंगे, जबकि मनमोहन सिंह जी ने कहा था ये गरीबों का पैसा, हम इसको ऐसे नहीं दे सकते, कॉरपोरेट्स को देना अन्यायपूर्ण है, उसके बाद भी लगातार सब्सिडी दी गई, और लगातार सब्सिडी देने के बाद में
नतीजा ये होता है कि हमारा जो पैसा था, जो ब्लैक मनी नेताओं का था, जो सब्सिडी में उनका कट था 50% का, 70% का, जो भी कट रहा हो, वो सारा पैसा जो है वो लगातार बाहर जाता रहा और ये चाइना जाता रहा। और चाइना क्यों जाता रहा, मैंने आपको बताया, वेस्टर्न यूनियन चाइना की कंपनी है जो कि पैसा पूरे विश्व में कहीं भी भेजती है, और उसका कोई ट्रेल नहीं होता, उसका कोई ट्रैक नहीं होता, सिर्फ एक नंबर दिया जाता है। उस नंबर से हम लगातार जो है उस नंबर से हम पेमेंट लेते हैं। ये पेमेंट आप कहीं भी पूरे विश्व में ले सकते हैं, और पूरे विश्व में इस पेमेंट को आप सिर्फ एक नंबर से बताते हैं, आपकी कोई पहचान नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें थी, ये था किस प्रकार से इन्होंने पैसे को यहां से बाहर पहुंचाया, किस प्रकार से कांग्रेस की जब सरकार थी, जब नेताओं ने पैसा बाहर पहुंचाया, जब मंत्रियों ने पैसा बाहर पहुंचाया, संभवतः सरकार को भी उस समय की ये मालूम होगा, नहीं मालूम था तो कम से कम इनको ये कैसे नहीं मालूम था, जब आईबी थी, सब कुछ था, तब इसको रोक सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने रोका नहीं। तो ये पूरा पैसा, जितना पैसा ये था, ये सारा पैसा इन्होंने चाइना पहुंचाया, चाइना से बाहर पहुंचा के जो है इन्होंने इसको अपनी ज़मीनें खरीदी साउथ अफ्रीका में, और तमाम सारी और भी अपना 2 नंबर का पैसा बाहर पहुंचाकर फैक्ट्रीज में, अपनी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, तमाम और चीज़ें करी। तो ये था जो टोटल घोटाला था, वो आखिर किया किस लिए गया था, वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि ये ब्लैक मनी जो भारत के अंदर, जो रिश्वत का पैसा जो नेताओं ने कमाया, ये किसी प्रकार, येन केन प्रकार से बाहर भेजा जा सके और बाहर ज़मीनें खरीदी जा सके। ये थी टोटल इसके पीछे की सच्चाई, जो पिछली बार हमने Part-2 में इसको इसीलिए लिया ताकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेते तो बहुत सारी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता। तो बहरहाल ये था 2 लाख करोड़ का इन्होंने जो घोटाला किया, उसका आखिर किस प्रकार से, जो सही मायने में कहते हैं कि अगर इस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई जाए तो ये 30 लाख करोड़ का घोटाला हो सकता है, और भी बड़ा निकले, कम से कम इतना तो है ही। तो ये जो घोटाला है, इस पर अब जो सरकार है, क्योंकि हमें आगे भी काम करना है, पीछे तो लगातार नहीं देख सकते, सो ये लगातार जिस प्रकार से इन्होंने घोटाले किए, इसके लिए इन्हें एक अलग से कमीशन कुछ बना देना चाहिए जो लगातार करता चला जाए, करता चला जाए, करता चला जाए, और इनके जितने भी घोटाले हैं उनको लगातार निकालता चला जाए, तभी जो है ये बात बनेगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इनके इतने घोटाले हैं कि यदि उसको निकालने सरकार बैठेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से आगे काम कर पाना पॉसिबल होगा। और लगातार इनके घोटाले, इतने बड़े बड़े घोटाले जिसकी कि फिगर तक लिखने में एक आम आदमी असमर्थ हो जाए, इतनी बड़े बड़े घोटाले, ये स्थिति इनकी रही। और मैं इस बात को क्यों आपको बोल रहा हूँ, और बहुत सारे लोग बोल भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि सरकार इसमें क्या कर रही है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज से करीब 1 साल पहले की बात है, मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी बिजनेस था, मेरे पास IEC था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस जिसे बोलते हैं। तो इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लाइसेंस पर मैंने कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ किए थे। तो मुझसे अभी 1-1.5 साल पहले किसी ने पूछा, बोले सर आपने जो है इम्पोर्ट किया था तो उसका बता दीजिए। 2016 की बात है, अभी 17 चल रहा है। तब मैंने कहा बड़ी जल्दी याद आ गई, 2007 का डेटा आप पूछ रहे हो, 10 साल बाद पूछ रहे हो। बहरहाल मेरे पास में फाइल्स वगैरह थी, मेरे पास डेटा था, तो मैंने वो सारी चीज़ें उनको बता दिया। मैंने फिर पूछा अपने जो बैंकर थे उनसे कि साहब ये मैंने TT किया, वायर किया, इसका 10 साल बाद क्यों इंक्वायरी आ रही है। तब उन्होंने मुझे बताया था, बोले कि इंक्वायरी इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें कई सारे रेमिटेंसेज ऐसे हुए हैं जिसका माल नहीं आया, एटलीस्ट माल आए, हमें वो रेमिटेंस चाहिए जिसका माल नहीं आया हो। तो ये जो क्लू, जो कड़ी जो मुझे मिली थी, ये सबसे पहली वहां से मिली थी कि आखिर ये कौन सा घोटाला है जिसमें पैसा जा रहा है और माल नहीं आ रहा, ऐसा कोई अपना नुकसान क्यों करेगा। लेकिन बाद में जब इसको लगातार इसको पढ़ते गए तो इसके बारे में ये सारी कहानी निकल कर आई कि जो पैसा गया ये हवाला के रूट को ना लेकर इन्होंने एक लीगल रूट लिया, और लीगल रूट से इन्होंने पैसे को बाहर भेजा तमाम सारे नेताओं ने, और इसके बाद में ये सारी जो अपना काला धन है इसको भारत से बाहर निकाल के कहीं ना कहीं इधर उधर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो खैर तमाम सारी इस तरह की और भी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी, और ये मैंने आपको एक छोटा सा प्रयास किया समझाने का इस घोटाले को।
मित्रों आप सबका क्या कहना है इस बारे में? बात, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मुझसे जुड़े, आप सब ने मेरी बात को सुना, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।